जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई मेरे दादा क्यों चोट में समान आई है, मेरे दादा क्यों चोट में समान आई और भैरू बाबा तुमको आना ही है, मेरे भैरू बाबा तुमको आना ही है। सभी मिलकर गाएंगे, देखिए बोध सम की आज साक्षात जोत नाकोड़ा से चलकर हैदराबाद में कैसे गहरा हो नाता बाबा का जिनसे। और आप सब यहाँ आए नहीं हैं, ये बाबा की कृपा है, जिसने बाबा ने यहाँ बुलाया वो आए, जो नहीं आए वो घर पर बैठकर सोच रहे हैं कि क्यों नहीं आए। तो कहना अरे गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, मिलने को आते हैं भैरून से, अरे उनका वो मालिक बन जाता है, उनका वो मालिक बन जाता है। तो सभी मिलकर गाना भैरू जी की भक्ति को सजा दे, भैरू जी की भक्ति को भैरू जी सजा दे, इस मत वालों के घर में पापा आते वालों के घर में बाबा आते आते हैं। मैं महिला मंडल से निवेदन करूंगा, प्लीज बैठ जाएं, महिला मंडल बैठ जाइए। कहां अरे कृपा बरसती है जिस पे लगी, कृपा बरसती है जिस पे लगी, तकदीर लिखता हाथों से उनकी, तकदीर लिखता हाथों से उनकी, कृपा बरसती है जिस पे लगी, कृपा बरसती है जिस पे लगी, तकदीर लिखता हाथों से उनकी, तकदीर लिखता हाथों से उनकी। और जब साक्षात भैरव बाबा किसी की तकदीर लिखता है तो क्या होता है, बिगड़ा मुकद्दर भी बन जाता है, बिगड़ा मुकद्दर भी बन जाता है, भैरव जी की भक्ति को भैरव जी सजाते हैं, किसे मत वालों के घर में बाबा आते मत वालों के घर में बाबा आते हैं।
आप जानते हैं कि ये जागरण ये भक्ति संध्या क्यों होती है? क्योंकि इस कलयुग में अगर परमात्मा को पाना है तो एक ही एक मार्ग है, वो है भक्ति। क्योंकि भजन सुनाते जो इनको प्यारे, भजन सुनाते जो इनको प्यारे, उनके तो परिवार के बारे न्यारे, उनके तो परिवार के बारे न्यारे। भजन सुनाते जो इनको प्यारे, भजन सुनाते जो इनको प्यारे, उनके तो परिवार के बारे न्यारे, उनके तो परिवार के बारे न्यारे। मंदिर साधर बन जाता है, मंदिर साधर बन जाता है, भक्ति तो